आज के इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं स्पाइकर साउंड के इस ब्लूटूथ स्पीकर को। ये ब्लूटूथ स्पीकर कुछ इस तरह के बॉक्स में पैक होके आता है। यहाँ साइड में स्पाइकर साउंड की ब्रांडिंग दी गई है और नीचे लिखा गया है इमर्स ब्लूटूथ साउंड बार स्पीकर। बीच में ब्लूटूथ स्पीकर का इमेज शो किया गया है और राइट साइड में लिखा गया है 20 वाट स्पीकर विथ एक्स्ट्रा बेस। बॉक्स के साइड में इसका MRP 4999 दिया गया है। अब हम बॉक्स को ओपन करते हैं और आपको इसे दिखाते हैं। आप देख सकते हैं स्पीकर को कुछ इस तरह से पैक किया गया है। पैकेजिंग हटाने के बाद स्पीकर कुछ ऐसा दिखता है और बॉक्स में हमें एक USB टाइप ए टू माइक्रो USB केबल, एक ऑक्स केबल और एक यूजर मैनुअल भी मिल जाता है। तो अब हम इस ब्लूटूथ स्पीकर को देखते हैं। आप देख सकते हैं फ्रंट से ये स्पीकर कुछ इस तरह का दिखता है और ये बिल्कुल ही एक साउंड बार की तरह दिखता है। यहाँ मेटल का ग्रिल दिया गया है जिसके पीछे हमें 2 10-10 वाट के स्पीकर्स और 2 पैसिव बेस रेडिएटर्स मिल जाते हैं। यहाँ इसके राइट साइड में स्पाइकर साउंड की ब्रांडिंग दी गई है और राइट साइड में ही हमें इसका पावर बटन, मूड बटन, प्ले पॉज, नेक्स्ट एंड प्रीवियस ट्रैक का बटन भी मिल जाता है। वॉल्यूम को एडजस्ट करने के लिए हमें यहाँ एक डायल भी मिल जाता है जिसे घुमा के आप इजिली स्पीकर के वॉल्यूम को एडजस्ट कर सकते हैं। और इस वॉल्यूम डायल के साइड में हमें ब्लू कलर की रिंग लाइट भी दी गई है। पीछे की तरफ हमें चार्जिंग के लिए माइक्रो USB पोर्ट, पेन ड्राइव से गाने प्ले करने के लिए USB टाइप ए पोर्ट, एक मेमोरी कार्ड का स्लॉट और ऑक्स पोर्ट भी दिया गया है और इसमें हमें ब्लूटूथ 5.0 का सपोर्ट भी मिल जाता है। तो आप इसे किसी भी तरह से कनेक्ट करके यूज़ कर सकते हैं। चार्जिंग के टाइम इसमें ये रेड लाइट ग्लो करता है और फुल चार्ज होने के बाद ये रेड लाइट ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। पीछे के साइड से इसे पियानो ब्लैक फिनिश दिया गया है जिससे ये काफ़ी अच्छा दिखता है। लेफ्ट साइड से ये बिल्कुल ही प्लेन है और नीचे की तरफ हमें रबर के पैड्स मिल जाते हैं जिससे ये हाई वॉल्यूम पे ज़्यादा नहीं हिलेगा। असल में ये स्पीकर आई गियर ब्रांड का है और स्पाइकर इसे अपने प्रमोशन के लिए रीब्रांड करके दे रहा है। इस स्पीकर का वेट 915 ग्राम के आसपास है और ये उठाने में काफ़ी हैवी फील होता है। इसका ब्लूटूथ रेंज भी काफ़ी अच्छा है और ये जल्दी से कनेक्ट हो जाता है। इस स्पीकर में हमें TWS का फीचर भी मिल जाता है। तो अगर आपके पास इस टाइप के 2 स्पीकर्स हैं तो आप उन दोनों को आपस में पेयर कर सकते हैं और स्टीरियो साउंड का आउटपुट ले सकते हैं। अभी हम इस ब्लूटूथ स्पीकर से कुछ गाने प्ले करते हैं जिससे आपको इसके साउंड आउटपुट के बारे में कुछ आइडिया मिल जाएगा। इसका साउंड तो आपने सुन लिया। अब हम इस स्पीकर को इसके साउंड क्वालिटी के हिसाब से कुछ रेटिंग्स देते हैं। जैसे हम इसे बेस में 9/10 का स्कोर देंगे क्योंकि अपने साइज के हिसाब से ये काफ़ी अच्छा बेस प्रोड्यूस करता है। ये ट्रेबल भी काफ़ी अच्छे से प्रोड्यूस करता है और ट्रेबल में हम इसे 8.5/10 देंगे। वोकल्स की क्वालिटी में हम इसे 8/10 देंगे क्योंकि ज़्यादा बेस के कारण इसके वोकल्स कुछ दब जाते हैं, पर उससे म्यूजिक में कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। तो इस स्पीकर के साउंड क्वालिटी का टोटल रेटिंग होता है 8.5/10। पर इस स्पीकर में एक सीरियस प्रॉब्लम है। 70% से ऊपर वॉल्यूम करने पे इसका साउंड डिस्टॉर्ट होना शुरू हो जाता है। तो इस हिसाब से हम इसे 20 वाट का सिस्टम नहीं बोल सकते, ये 15 वाट का आउटपुट ही सही से दे सकता है। पर ओवरऑल ये एक काफ़ी अच्छा ब्लूटूथ स्पीकर है और इसकी बिल्ड क्वालिटी और साउंड क्वालिटी दोनों ही काफ़ी अच्छी है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।